दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह एक यूट्यूबर, लेकिन आप हैं थोड़े से नए यूट्यूबर, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहता हूं जो नया यूट्यूबर, जो भी नया यूट्यूबर होता है, लगभग उन मिस्टेक्स को करता है, सभी करते हैं। मैंने भी कई बार ऐसी मिस्टेक्स की है और उनका खामियाजा भी मुझको भुगतना पड़ा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे मिस्टेक मत करो, ताकि आपको भी मेरी तरह खामियाजा भुगतना पड़े। तो यार, मेरे अनुभव से आप थोड़ा सा कुछ सीख सकें, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली जितनी भी गलतियां हम करते हैं वो सारी की सारी इसमें जो है कंप्लीट करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है नया यूट्यूबर करता है, ये एक साइकोलॉजिकल गलती है, साइकोलॉजिकली मिस्टेक है, कि यूट्यूब में सिर्फ अर्निंग करने के लिए वो जबरदस्ती एंटर करता है। अबे जबरदस्ती एंटर करने से मीनिंग क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मेरे पास काफी मेल्स आते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि सर, हमें भी यूट्यूब चैनल बनाना है, अर्निंग करनी है, उस पर हम कौन से टॉपिक पर बनाएं। यानी उनको पता ही नहीं होता कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और वो यूट्यूब में सिर्फ अर्निंग के लिए एंट्री करते हैं, तो वो क्या लंबे टाइम तक यूट्यूब पर अपना कैरियर नहीं बना पाते। तो यार, कभी भी यूट्यूब में जबरदस्ती एंटर मत कीजिए। अपना एक टॉपिक चुनिए कि आप टैग पर ही वीडियो बनाएंगे, या फिर फनी बनाएंगे, या फिर ब्यूटी पे बनाएंगे, फिटनेस पे बनाएंगे, लाखों टॉपिक है आपका जिसमें इंटरेस्ट है। अब आप कहेंगे यार, मैं टॉपिक चुनूं कैसे, तो इसका सीधा सा जवाब है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें आप ज्यादा सर्च भी कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से वीडियो जो है बना पाएंगे, और आप अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर पाएंगे, और बहुत सारे लंबे टाइम तक आप जो है उस पर वीडियो बना पाएंगे। तो जबरदस्ती यूट्यूब पे एंटर ना करें, ये तो है एक साइकोलॉजिकली जो है मिस्टेक। अब मैं करता हूं कुछ ऐसे मिस्टेक जो और भी हम करते हैं। पहली मिस्टेक, हम वीडियोस बना लेते हैं काफी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसमें आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती है। मैं अभी तक भी अपनी वॉइस को इंप्रूव कर रहा हूं, आने वाले टाइम में और भी करूंगा, करता रहूंगा। क्योंकि देखिए, जब व्यूअर आपकी वीडियो देखता है, तो एक बार वीडियो क्वालिटी फिर भी कम हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार सारे लोग HD में नहीं देखते, इंटरनेट बचाने के लिए कोई 360 पे देखता है, कोई 240 पे देखता है, और जब नॉलेजेबल वीडियो होती है, मैं तो 144 पे ही देख लेता हूं, पी पर देख लेता हूं, क्योंकि वॉइस सुननी होती है मेन, जब नॉलेजेबल वीडियो कोई देखता है। तो यार, आप जब कोई वीडियो बना रहे हैं नॉलेजेबल, तो यार वॉइस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वीडियो कोई भी बना रहे हो, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी बाद में सुधर जाएगी, अभी आप अगर मोबाइल से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वॉइस क्वालिटी में दो चीजें, पहला, आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट सुनना चाहिए सामने वाले को, ठीक है, और दूसरा, थोड़ी आपकी वॉइस तेज होनी चाहिए, ताकि कई जो पुराने मोबाइल्स हैं उन पे भी लोग देखते हैं कौन, जब यूट्यूब, तो उनमें आवाज ऑलरेडी कम होती है, तो आपकी आवाज आती ही नहीं है, तो आप वॉइस का बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब भी हम चैनल बनाते हैं, तो जब हमने टॉपिक तो क्लियर कर लिया कि हमें टैग ही बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, वीडियोस बनाई 2-3-4-5-10-20 बनाई, व्यूज नहीं आए, तो हमने क्या टॉपिक ही चेंज कर दिया। हमने सोचा यार, ये फनी बना रहे, इसकी फनी बहुत चले, चलो हम फनी बनाते हैं, यार ब्यूटी की बहुत चल रही है वो बनाते हैं, ये करते हैं। तो यार ऐसे है ना, बिल्कुल भी मतलब कहना खिचड़ी मत कीजिए यूट्यूब में। मैंने भी ये गलती की थी, मैंने बीच में इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो डाल दी थी स्टार्टिंग में, जब मेरा यूट्यूब चैनल था, तो उसके भी प्रॉब्लम थी इस तरह की, मतलब उसकी खिचड़ी ना बनाइए। अगर आपके अंदर 2-3 टैलेंट ज्यादा है, एक टैलेंट, दो टैलेंट, तीन, आप तीन चैनल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो कहूंगा पहले एक चैनल को ग्रो कराइए, फिर दूसरे को बनाइए, ठीक है। तो कभी भी इस तरह की खिचड़ी यूट्यूब पे ना करें, एक ही टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। चौथी गलती, आप वीडियो पे थोड़ा सा रेगुलर कीजिए, चाहे आप वीक में एक डालें वीडियो, चाहे आप 3 दिन में एक डालें, चाहे आप रोज एक डालें वीडियो, लेकिन आप रेगुलर डालते रहें। ये नहीं आज वीडियो डाली, अब 15 दिन बाद वीडियो आएगी, फिर 3 दिन बाद ही आएगी, अगले वीक में 4 वीडियो आ गई, फिर 2 वीक तक कोई वीडियो नहीं आई। इस तरह से आप वीडियो कभी भी ना डालें, क्योंकि इससे एक नुकसान होता है आपको, और वो नुकसान है कि ब्राउजर फीचर होता क्या है कि जब मेरी कोई वीडियो आप देख रहे हो, आज आपने ये वीडियो देख ली, कल मैं फिर वीडियो डालूंगा, तो आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी आपके ब्राउजर पर आ जाएगी। तो जब भी ऐसा होता है कि ब्राउजर पर जो है वीडियो आ जाती है, अगर आप रेगुलर डालते हैं और आपके कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं वीडियो डालने में, तो ब्राउजर फीचर पे फिर दूसरी वीडियो आती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं, इसलिए आप रेगुलर वीडियो बनाएं। चौथी बात है, आपका थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा चैनल देख लो, लेकिन उनका थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब थंबनेल क्यों नहीं अच्छा होता, या तो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है थंबनेल, ऐसा बनाइए जो एक कैची हो। जैसे यूट्यूब का मैंने मान लो खोला, तो
तो मुझे वो थंबनेल अलग दिखे थोड़ा सा, या तो बिल्कुल सिंपल हो और थोड़े मोटे मोटे अक्षर हो ताकि मेरे को सिंपल दिख जाए एक बार। होता क्या है, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, यूट्यूब पर जो ऑडियंस होती है वो दो तरह की है। पहली ऑडियंस, मुझे मान लो कोई चीज सर्च करनी है यूट्यूब पर, जैसे हाउ टू बाय ए बेस्ट लैपटॉप इन 2018, ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इस पर सर्च किया, तो अब क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा मैं उनके टाइटल भी पढ़ूंगा और तभी वीडियो देखूंगा। लेकिन अब होगा ये कि दूसरी तरह की जो ऑडियंस है वो क्या है कि जैसे कोई वीडियो देख रही है, मान लो ये जो है यूट्यूब की आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरी वीडियो कोई सजेस्टमेंट आ रही है और वो वीडियो आपकी सजेस्टमेंट में, तो वहां मैं आपका टाइटल नहीं पढ़ूंगा, वहां आपका थंबनेल अगर मुझे मतलब कि लगेगा कि आई कैचर जो थंबनेल होता है वो होगा तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा बिना टाइटल पढ़े। तो हमेशा ध्यान रखें सजेस्टमेंट में जब आपकी वीडियो जाएगी तो आपका थंबनेल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि टाइटल आदमी तभी पढ़ता है तब वो खुद से सर्च करता है यूट्यूब पे। तो आप थंबनेल सिंपल सोबर बनाइए, ज्यादा कलरफुल मत बनाइए, और जो भी बात है उसको थोड़ा कम शब्दों में और मोटे मोटे लिखिए। ओके, थंबनेल आपका अच्छा रखिए। अब करते हैं पांचवें नंबर की बात। तो पांचवा नंबर यह है कि कभी भी कॉपी मत कीजिए किसी का भी। हम लोग क्या है, वीडियो कॉपी कर लेते हैं, हमारे दिमाग में कुछ भ्रांतियां है, सर 30 सेकंड का कॉपी कर लें, सर 10 सेकंड का कर लें, ये फेयर यूज पॉलिसी है, सर 10 सेकंड का करने से तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। भाई मेरे, कॉपीराइट आपको 1 सेकंड का वीडियो कॉपी करने पर भी आ सकता है। तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिए, क्योंकि अभी आप नए, ऐसे आपका चैनल जाएगा तुरंत अगर यूं आया स्ट्राइक आ गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े यूट्यूबर बनेंगे तो फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि अरे गलती नहीं करने और आप नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं म्यूजिक की। तो जब भी आप म्यूजिक अपनी वीडियोस में डालते हैं तो देखिए एक ऑफिशियल चैनल है NCS, आप वहीं से कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट सॉरी म्यूजिक ले और उनको क्रेडिट भी दें, उन्होंने लिख रखा है। उसके अलावा दुनिया भर के और भी यूट्यूब चैनल है, वो कॉपीराइट कहते हैं फ्री, लेकिन वो फ्री होते नहीं, आप चेक कर लीजिए, कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है नहीं, अदरवाइज यूज ना करें। एक मैंने भी वीडियो बनाया, उस पर मैंने पूरी 5 वेबसाइट बनाई, बताइए कि वहां से भी आप जो है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ले सकते हैं और आप उनको यूज करें। अब आपका एक सवाल और भी मेरे पास आता है, सर वो बड़ा यूट्यूबर 10 सेकंड तक का गाना यूज करता है, सर वो यूज करता है, उसको तो क्लेम नहीं आता। भाई देखिए कॉपीराइट क्लेम उसको भी आता है, राइट। अब एक कॉपीराइट क्लेम क्या है वो मैं आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूं, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या फर्क है। देखिए जब क्लेम आता है तो आपके चैनल की स्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो उससे पैसा कमाते हो वो पैसा जो है वो ले लेगा जिसका वो म्यूजिक है, या फिर आप उससे बात करोगे तो आधे आधे 50-50 में शेयर हो जाएगा। लेकिन यार आप एक नए यूट्यूबर है, बिल्कुल नए, आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुआ और आप बहुत सारी वीडियोस में ऐसे म्यूजिक यूज करते जा रहे हैं, आपके सभी वीडियोस में लगभग कॉपीराइट क्लेम आएंगे, तो यार आपके मोनेटाइजेशन ऑन होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप नए यूट्यूबर हैं तो इस तरह के जो है म्यूजिक यूज ना करें, और ये इस गलतफहमी में कभी मत रहे कि हम 10 सेकंड का यूज कर लेंगे, 6 सेकंड का यूज कर लेंगे, 30 सेकंड तक का कर लेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, ये गलती ना करें। अब बात करते हैं छठे नंबर की। तो छठे नंबर की गलती ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, कोई फिल्म सुपरहिट होती है, हम लोग अगर टैग चैनल वाले हैं, कोई फिल्म सुपरहिट होती है या कोई भी चैनल हो, पीपल ब्लॉग हो, एंटरटेनमेंट हो, हम क्या करते हैं, हम बताते हैं इस मूवी को कैसे डाउनलोड करें। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इस पे सीधा सीधा कॉपीराइट आता है और 3 महीने तक आपके चैनल पर रहता है। मैंने भी ये गलती की थी और मैंने भी 3 महीने तक कॉपीराइट जो है खाया था मेरे चैनल की जब शुरुआत करी थी तब। कभी भी किसी भी मूवी को डाउनलोड करने का तरीका आप ना बताएं। अब आप कहेंगे नहीं सर वो चैनल तो बता रहे हैं उसके 5 लाख व्यूज आ गए, तो देखो भाई होता क्या है, कोई भी एक नया चैनल आता है वो ऐसी चीज बताता है फिर उस पे आ जाता है कॉपीराइट, तो वो चैनल नहीं बताता, अगली बार कोई दूसरा चैनल बताता है। तो हम ये देखते हैं कि यार बता तो सब रहे, लेकिन कभी ये गौर नहीं करते कि यार चैनल अलग-अलग है, वो चैनल अलग था, ये चैनल अलग है, क्योंकि हर नया यूट्यूबर ये गलती करता है, मैंने भी की थी। तो कभी भी इस तरह की बात ना करें। अब बात करते हैं सातवीं गलती की। सातवीं गलती, कभी भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पेड है उसको फ्री में देने का वादा अपनी वीडियो में ना करें, ना ही कोई तरीका बताएं, चाहे वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो चाहे वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, अगर वो पेड सॉफ्टवेयर है तो उसको फ्री कैसे प्राप्त करें, फ्री कैसे डाउनलोड करें, इस पर वीडियो कभी भी ना बनाएं, वरना आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। ये गलती मुझसे एक बार हो चुकी है इसलिए मुझे इसका पता है, ठीक है। अब बात करते हैं आठवीं गलती की। आठवीं गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक यूट्यूबर को चले जाते हैं, जो कोई बड़ा यूट्यूबर है, बड़े का मतलब पुराना यूट्यूबर है, तो उसको क्या करते हैं, हमको पता नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हेट कमेंट करते हैं, बार बार हेट कमेंट करते हैं, गालियां लिखते हैं, अब्यूज करते हैं, आपको लगता है कि यूट्यूब पर आपका कुछ नहीं होगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप दूसरे के यूट्यूब चैनल पर जाकर बार बार गाली लिखते हैं या बार बार हेट कमेंट करते हैं, और अगर वो यूट्यूबर आपके कमेंट को बार बार फ्लैग करता है और आपका उसी आईडी से यूट्यूब है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है,
और कई केसेस में आपका मोनेटाइज भी डिसेबल हो सकता है। तो इस तरह की गलती ना करें। अगर आपको किसी चैनल का कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप उसे अनसब्सक्राइब कर दें या फिर सब्सक्राइब ना करें या उस पर दोबारा मत जाएं, लेकिन इस तरह के जो है हेट कमेंट कभी भी ना करें, ये हमेशा ध्यान रहे। इससे एक नुकसान और भी है, कभी आप मान लो आपका YouTube ग्रो कर गया तो आप भी बराबर के हो जाओगे और वो भी बराबर हो जाएगा, उस टाइम आप एक दूसरे से किस तरह नजरें मिलाओगे, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी हेट कमेंट ना करें। अब बात करते हैं नवी गलती की, जो भी सब लोग करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने वीडियो बनाया स्टार्टिंग में, हम लोग अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे शेयर, इंस्टाग्राम पे शेयर। ये गलती भी आप मत करें। अब आप कहेंगे सर शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे देख लो, मैंने तो कहीं शेयर नहीं किया, कहीं प्रमोशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, व्यूज आते हैं। देखिए होता क्या है, हम शेयर करेंगे, आप खुद सोचिए आप कितने दोस्तों को शेयर करके वीडियो दिखा देंगे, 500 या 1000, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। 500 या 1000 लोगों से ज्यादा जो है दोस्त किसी के ज्यादा नहीं होते हैं और इतने लोगों को दिखा सकते हैं। अब क्या आपके चैनल का टारगेट सिर्फ अपने चैनल में 500 1000 सब्सक्राइबर ही लाना है, ऐसा तो नहीं है। पहला नुकसान। दूसरा यार, आपके 1000 फ्रेंड है आपके व्हाट्सएप पे जुड़े पड़े हैं, हमको पता है, लेकिन मान लो आप जो वीडियो बना रहे हो वो टैग का हो सकता है, फनी हो सकता है, ब्यूटी का हो सकता है, लेकिन वो जो 1000 लोग हैं आपके टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। मान लो आपके 1000 दोस्त है, आपने टैग चैनल बना लिया, अब 1000 लोगों में मान लो 100 लोगों को टैग पसंद है, बाकी को नहीं है पसंद, बाकी एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं, ब्यूटी वीडियो देखते हैं, कुछ और देखते हैं, और आपने सबको जो है कर दिया। अब आप करोगे तो आपका फ्रेंड है वो एक बार टिक जरूर करेगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा वो वीडियो पर पहुंचेगा, फिर कहेगा अच्छा टैग वीडियो है, फालतू वीडियो है यार, मेरे काम के नहीं है, वो आ जाएगा। इससे आपका ऑडियो रिटेंशन खराब हो जाएगा, आपका वॉच टाइम जो वीडियो का वो खराब हो जाएगा, वो जो वीडियो है वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं डंप हो जाएगी, आपकी वीडियो सजेस्टमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को लगेगा कि यार इस वीडियो में बिल्कुल भी दम नहीं है, लोग इसको कुछ देर देख रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप गलतियां मत करें, शेयर मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता आप शेयर बिल्कुल मत करो, करो लेकिन बहुत कम करो, या फिर जो मांगे उसी को करो, और मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इससे एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और एक प्रॉब्लम इससे और क्रिएट होती है। मान लो आपने फेसबुक पर वीडियो को कर दिया शेयर, व्हाट्सएप पे कर दिया, सब पे कर दिया, तो अब आपका क्या है, जो एक्सटर्नल व्यूज है वो तो हो जाएगा इंक्रीज और यूट्यूब सर्च का जो व्यूज है वो कम हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जब यूट्यूब मोनेटाइज के लिए आपका चैनल जब भी रिव्यू करेगा किसी भी चीज के लिए, उसको लगेगा कि यार एक्सटर्नल व्यूज ज्यादा है, यूट्यूब सर्च से कम है। और यूट्यूब की एक कम्युनिटी गाइडलाइन है कि आप किसी को अपना वीडियो देखने के लिए बार बार फोर्स नहीं कर सकते हो, तो यूट्यूब को लगेगा एक्सटर्नल ज्यादा, यानी कि इसने अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बार बार लोगों से कह कह के इस पे वीडियो पे जो है क्लिक करवाया, तो वो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेगा या फिर और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह दे सकता है। तो इस तरह से ये नवी गलती आप बिल्कुल मत करो। दसवीं गलती, आप क्या करते हो, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से बिल्कुल भी नहीं देते हो। अब आप कहोगे सर अच्छे से देते हैं, हम तो खूब सारा भर भर के देते हैं, तो यार देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है बेस्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे दे, उसको आप देखिएगा, और देखिए ये उसका जो है थंबनेल है, इसको आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको परफेक्ट पता चल जाएगा टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे दे। तो ये तो हो गई 10 कॉमन मिस्टेक। अब मैं और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, ये एक तरीके से समझ लो ये प्रो टिप हो गया आपके लिए। पहली टिप, जब भी आप वीडियो बनाए, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो आप सर्चेबल जो कीवर्ड्स है उसी पर वीडियो बनाए, यानी कि जो सर्च में आता है। मान लो कोई भी वीडियो हमने बना दी और उसको कोई सर्च करने वाला ही नहीं है, तो फिर यार वीडियो कैसे चलेगी। यानी जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक को पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए और देखिए कि यार इस पे कितनी वीडियो आ रही है। मान लो 10 वीडियो आ रही है तो आप टॉप 3 या टॉप 5 वीडियोज के व्यूज देखिए, उनके व्यूज कितने हैं। अगर व्यूज बहुत ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि यार इसके देखने वाले ज्यादा है, तब आप उस पर वीडियो बनाइए। और एक चीज और, अगर टॉप 3 जो वीडियो आ रही है उन वीडियोज को आप देख लीजिए और उनसे बेटर कॉन्टेंट बनाइए, क्योंकि अगर आप उनसे बेटर कॉन्टेंट नहीं बनाएंगे तो आपका ऑडियो रिटेंशन बढ़ेगा नहीं और आपकी वीडियो उनसे ज्यादा ग्रो नहीं होगी। और अगर आपने वो तीनों वीडियो देख लिए एक ही टॉपिक के, उससे भी बेटर कंटेंट बनाया, तो आपका जो देखने का जो ऑडियंस है उसको तो वो टॉपिक पसंद है, तभी तो उसने वो तीन वीडियो भी देखी है, तभी उन तीनों वीडियो पे व्यूज भी है। आपका जब वो वीडियो देखेगी तो आपका रिटेंशन ऑडियो बढ़ जाएगा, तो आपकी जो वीडियो है वो धीरे धीरे अप होने लगेगी, ये ठीक है। तो सर्चेबल जो होते हैं जो कीवर्ड, उन्हीं पर जो है आप वीडियो बनाइए। अब बात करते हैं 12वें टॉपिक की, तो 12वां जो है मिस्टेक वो है कि हम कभी भी जो टाइटल है वो ठीक से नहीं देते। अब टाइटल ठीक से क्यों नहीं देते, मैं बताता हूं। जैसे मान लो हमारा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है कॉमन मिस्टेक, है ना, इन YouTube,
ठीक है, ये सपोज कीवर्ड है, या मान लो कीवर्ड है हमारा व्हाट्सएप सीक्रेट ट्रिक, ये हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर हमें वीडियो बनानी है, तो हम टाइटल में क्या लिख देंगे, पहले व्हाट्सएप सीक्रेट ट्रिक, और फिर बड़ा सारा जो है पूरा 90 या 96 वर्ड का पूरा जो है टाइटल हम लिख देंगे। देखो एक तो टाइटल थोड़ा सा छोटा रखें, 70-80 वर्ड का ही रखें, ज्यादा मत रखें, क्योंकि छोटे जो टाइटल होते हैं उनको ज्यादा सजेसमेंट मिलता है यूट्यूब को, ऐसा मेरा अनुभव है। दूसरा आप क्या करें, थोड़ा सा टाइटल को बनाएं, जैसे कि सीक्रेट व्हाट्सएप ट्रिक है तो आप लिखिए टॉप 5 सीक्रेट व्हाट्सएप ट्रिक या टॉप 10 सीक्रेट व्हाट्सएप ट्रिक, इस तरह से जो टाइटल को है अच्छे से बनाइए। चलिए अगला जो मैं बता देता हूं, अगला है कि आप क्या करते हैं, वीडियो बनाई, जैसे ही आपने वीडियो बनाई, मतलब कि 3-4 वीडियो बनाई और आप लोगों से कहने लग जाते हैं सर हमें प्रमोट कर दो, सर हमारी वीडियो अपने चैनल पे डाल दो, सर हमें सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की गलती मत करो। इससे क्या होगा, देखिए मान लो आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट करे प्रमोट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, और मैंने सोचा चलो यार अपना व्यूअर है इसको प्रमोट कर देते हैं। अब प्रमोट करने से क्या होगा, मान लो आपके चैनल पे 5 वीडियो है और वो 5 वीडियो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, और मेरे चैनल पे आपने फिर भी वीडियो बना दी, अब मैंने लोगों को भी कह दिया, वो लोग आपके चैनल पे गए उनको वहां पे अगर कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो आपको सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि आपने जो वीडियो मुझे दिए उसके व्यूज आएंगे और उससे अर्निंग मेरी होगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अच्छा कंटेंट की 10-15-20 वीडियो अपने चैनल पर बनाइए, और उसके बाद आई एम श्योर आपको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता हूं मेरे व्यूज नहीं आते, लेकिन जब मैं उनके चैनल पर जाकर देखता हूं तो मुझे लगता है इनका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो यार आप पहले खुद देखिए कि वाकई में आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है। दूसरा अभी एक लास्ट और मैं आपको बता देता हूं, लास्ट जो गलती है वो ये है कि कभी भी किसी के भी कमेंट में जाकर सब्सक्राइब मत लिखिए, अपनी वीडियो का लिंक भी मत डालिए। कई लोग कहते हैं ना हमारी वीडियो का लिंक है, सर ये वीडियो हमारी देख लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की अगर आप गलती करोगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। अच्छा इसका अनुभव कब होता है, अनुभव आपको तब होगा जब आपको मिल जाएगी, तब आप समझ जाएंगे। तो यार देखिए भाई मेरे, दुनिया में एक साइकोलॉजी है वो कहती है कि मूर्ख लोग अपने अनुभव से सीखते हैं और बुद्धिजीवी लोग दूसरे के अनुभव से, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आप बुद्धिजीवी बनिए और मेरे अनुभव से सीख लीजिए। मैं नहीं चाहता यार किसी मेरे व्यूअर्स को जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स मुझसे जुड़े हुए हैं नए यूट्यूबर्स, उनको कोई भी यार प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब वो मुझसे प्रॉब्लम की बात करते हैं कि सर मैं ये प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे भी दुख होता है कि यार मैं इनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी इनको प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, अपनी वीडियो का लिंक भी वहां पर बिल्कुल भी ना दे। अब आपको करना क्या है, अगर मान लो किसी के व्यूअर हमें चाहिए भी, तो क्या करना है, मान लो किसी व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा, अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप उसका रिप्लाई कर दीजिए, उसको जवाब दे दीजिए उस वीडियो का, लेकिन ये मत कीजिए जैसे उसने मान लो पूछा कि सर व्हाट्सएप की ट्रिक इसमें काम करेगी क्या, और आपको पता है इसका आंसर, तो आप उसे रिप्लाई तो कर सकते हैं कि हाँ यार इसमें करेगी, लेकिन आप उससे कहें विजिट करो मेरे चैनल पे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो देखो, ये मेरा लिंक है, इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है, नए यूट्यूबर्स को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक चीज और ध्यान रखें इसमें कि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे मान लो एक वीडियो पे 100 कमेंट आए, तो कुछ लोग 100 के 100 कमेंट का ही उनको रिप्लाई कर देते हैं, यानी 100 लोगों ने कमेंट किए उन 100 को रिप्लाई कर देंगे, या तो लिख देंगे कि भैया हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, 100 एक साथ वो सारे चले जाते हैं स्पैम में। और वैसे तो मैं बता दूं जितने भी जो पुराने यूट्यूबर है, जैसे मैं ही हूं जो पुराना है, वो सभी स्पैम जो है उसको जो कमेंट होता है उसकी सिक्योरिटी को ऑन करके रखते हैं, तो आप जब भी कोई अपना लिंक शेयर करते हैं या सब्सक्राइब या लिंक कुछ इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बैड वर्ड में चले जाते हैं और ये सारे के सारे जो कमेंट है स्पैम में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो जो जिनको आप बताना चाहते हो जो मेरे व्यूअर्स है उन तक भी नहीं पहुंचेंगे और आपके स्पैम में चले जाएंगे और आपके चैनल को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार ये जो 15 मिस्टेक थी ये लगभग हर नया यूट्यूबर करता है, मैंने भी की है, मैंने इसका खामियाजा भुगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों आप भी इसका खामियाजा भुगतो, अच्छा अच्छा काम कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। आई होप विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करने लगेगा। वीडियो थोड़ी बोरिंग हो गई है, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अच्छी जानकारी थी, मैं देना चाहता था, बहुत सारे आपके सवाल थे, सभी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, और भैया अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चैनल पसंद आया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर दबाइए, क्योंकि यार जब इसको आप दबाएंगे तभी होगा ये कि मेरी जो नई नई वीडियो आएंगी जो कि टेक्नोलॉजी अपडेट्स की वीडियो होती है वो आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। मैं नई वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।